चलिए कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर का फिलहाल रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से है। कोटा में आज 204 नए कोरोना संक्रमित सामने आए। पूनम कॉलोनी, एमबीएस हॉस्पिटल, आदर्श कॉलोनी, भीमगंज मंडी, नेहरू नगर सहित दो दर्जन से अधिक इलाकों में ये संक्रमित मिले हैं। कोटा में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 3028। कोरोना से विज्ञान नगर निवासी बुजुर्ग की मौत भी हुई है। बड़ी अपडेट, कोटा में कोरोना से अब तक 55 लोगों की जान गई है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? एक तरीके से विस्फोट आज देखने को मिला है। बिल्कुल मनीषा, अगर कोटा में कोरोना की कहर की बात की जाए तो कोटा शहर में लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। आज 204 मरीज आए हैं, ये एक बड़ा आंकड़ा है और लगातार ये दोहरा शतक कोटा में दूसरी बार कोरोना ने हासिल किया है। अब तक अगर मरीजों की संख्या की बात करें तो 328 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। अगर लगातार मौत के आंकड़े की बात करें तो लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। बीते दो दिनों की बात करें तो कम से भी कम 5 से 6 मौत यहाँ पर हो चुकी है। लगातार जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है वो लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और चपेट में आने के बाद में सही तरह से न तो वैक्सीन बन पाई है और न उनका उपचार हो पा रहा है और उनको अपनी जान गंवानी पड़ रही है। अगर अस्पताल प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो अब कम दिखाई दे रही है और लगातार जो प्रशासन है वो लगातार अच्छे एहतियात के तौर पर अच्छी व्यवस्थाएं देने का प्रयास कर रहा है, मगर लगातार जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज है वो लगातार जिस तादाद में बढ़ते आ रहे हैं उस तरह से अस्पताल पूरी तरह से फुल हो चुकी है। मनीषा, अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो एक्टिव केसेस भी यहाँ पर 1500 से 1600 एक्टिव केसेस हैं। अगर कोरोना योद्धाओं की बात करें जो डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील थे जो न्यू मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक थे, कल उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है, एक बड़ी अपडेट है जी राजेंद्र। साथ में सबसे बड़ी बात है कि अब पुलिस कर्मियों के साथ साथ चिकित्सक भी कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन। चलिए जी राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक तरीके से विस्फोट आज कोटा में देखने को मिला है। 204 कोरोना संक्रमित नए निकलकर आज कोटा से सामने आए हैं। एक बड़ा आंकड़ा, लगातार यहाँ पर संक्रमण फैलता जा रहा है। एक बुजुर्ग की मौत भी हुई। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ को पार कर गई है, जबकि अब तक 7,33,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 1,28,00,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं और दुनिया भर में अभी भी 64 लाख के करीब एक्टिव केस मौजूद हैं जिनका इलाज लगातार जारी है। दुनिया भर में संक्रमण बढ़ता हुआ। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 22 लाख के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। देश भर में कोरोना से अब तक 22,15,000 से अधिक संक्रमित आपको बता दें कि मिल चुके हैं। देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 44,000 के पार और देश भर में कोरोना से अब तक 44,386 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के अब तक 15,35,747 मरीज ठीक हुए हैं और देश भर में कोरोना के 6,34,945 एक्टिव केस हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में 62,063 नए कोरोना संक्रमित मिले और देश भर में पिछले 24 घंटे में 1,007 मरीजों की मौत भी हुई। देश भर में पिछले 24 घंटे में 54,859 कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं। लगातार देश भर में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता हुआ। महज 24 घंटे के अंदर 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो रही है।